And what is the output of given problems? इस प्रोग्राम को अगेन एग्जीक्यूट करें सिक्वेंसली वन बाय वन. फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जीक्यूशन बिगिंस फ्रॉम हेडर ऑफ द मेन फंक्शन. नेक्स्ट वन सेकेंड केस में चांस किसको मिलेगा? वेरिएबल डिक्लेरेशन आई. इस केस में जैसे ही फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ इसके अकॉर्डिंग मेमोरी में प्लेस क्रिएट हुआ विद नेम एज आई. व्हाट इज द इनिशियल वैल्यू ऑफ आई? इनिशियल वैल्यू ऑफ आई इज 5. देन थर्ड केस में परफॉर्म हुआ कंडीशन टेस्टिंग. कंडीशन सप्लाई किया करेंटली आई लेस देन 10. कंडीशन या किसी भी एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के रिस्पेक्ट में जहां भी वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं वेरिएबल्स को ऑलवेज रिप्लेस करें इट्स करेंट वैल्यू. आई का करेंट वैल्यू फाउंड हो रहा है 5. देयरफॉर 5 लेस देन 10 कंडीशन इज ट्रू. कंडीशन टू देन कंट्रोल सेंड हुआ इनसाइड बॉडी ऑफ फाइल लूप. मीन्स फोर्थ केस में एग्जीक्यूशन किसका हुआ? आई प्लस प्लस. इस केस में प्री हो या पोस्ट हो डजंट अफेक्ट. इस फाइनली जब आई में इंक्रीमेंट हुआ तो आई की न्यू वैल्यू क्या हो जाएगी इसके अकॉर्डिंग? 6. देन प्रिंट एफ. फिफ्थ केस में चांस किसको मिलेगा? प्रिंट एफ स्टेटमेंट. प्रिंट एफ के अकॉर्डिंग हाई मैसेज डिस्प्ले हुआ. देन स्लैश एन के अकॉर्डिंग कंट्रोल सेंड हुआ ऑन द नेक्स्ट लाइन. अब कर्सर कहाँ है? ऑन द सेकंड लाइन. नेक्स्ट वन इसके जस्ट बाद. वन मोर थिंग, इस केस में कन्फ्यूजन क्या है? लाइक दैट दे आर गेट दैट सिंटैक्स. इस केस में सिंटैक्स किससे मैच हुआ? सम वर्ड लाइक अ डू व्हाइल. लेकिन इस केस में डू कहीं अपीयर ही नहीं हुआ. ये दोनों लूप कैसे इनडिपेंडेंट? मीन्स दिस इज द फर्स्ट लूप, दिस इज सेकेंड लूप. सेकेंड लूप के केस में कोई भी बॉडी सेशन पॉइंट नहीं. मीन्स इसका हेडर सेशन टर्मिनेट किससे हुआ? फर्स्ट सेमी कॉलम. मीन्स आई प्लस प्लस का आउटसाइड बॉडी ऑफ दैट लूप. इसको लॉजिकली कंसिडर कर सकते हैं लाइक दैट विद सम एम्प्टी बॉडी. देन जब तक फर्स्ट लूप का कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाता देन रिमेनिंग स्टेटमेंट को चांस ही नहीं मिलेगा. प्रिंट एफ हाई मैसेज डिस्प्ले होने के जस्ट बाद अगेन कंट्रोल सेंड करेंगे टू द कंडीशन टेस्टिंग. नेक्स्ट टाइम फिर से कंडीशन टेस्ट हुआ. फिफ्थ का नेक्स्ट सिक्वेंस क्या? 6. सिक्स्थ केस में अगेन कंडीशन टेस्टिंग. आई का वैल्यू क्या फाउंड हो रहा? करंटली 6 जस्ट बिकॉज ऑफ प्रीवियस इंक्रीमेंट. देन 6 लेस देन 10 कंडीशन अगेन ट्रू. कंडीशन अगेन ट्रू है देन इस केस में. सिक्स्थ के बाद सेवन्थ केस में चांस किसको मिलेगा? अगेन आई प्लस प्लस. देयरफॉर वैल्यू ऑफ आई कम 7. सेवन्थ का नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या? प्रिंट एफ. अगेन मैसेज डिस्प्ले हुआ एज अ हाई ऑन द नेक्स्ट लाइन. देन कर्सर कहाँ सेंड हुआ? ऑन द नेक्स्ट लाइन. अगेन कंट्रोल सेंड हुआ व्हाइल कंडीशन. व्हाइल कंडीशन के केसेस में कंडीशन क्या है? आई लेस देन 10. आई के प्लेस पर रिप्लेस करेंगे करेंट वैल्यू ऑफ आई 7. 7 लेस देन 10 कंडीशन अगेन ट्रू. कंडीशन ट्रू होने के जस्ट बाद नेक्स्ट केस अगेन बॉडी एग्जीक्यूशन फिर से परफॉर्म हुआ आई प्लस प्लस. तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी इस केस में? 8. नेक्स्ट वन प्रिंट एफ. नेक्स्ट सिक्वेंस का 11. अगेन प्रिंट एफ के थ्रू डिस्प्ले क्या हो जाएगा? मैसेज एस हाई. देन कर्सर का सेंड हुआ द नेक्स्ट लाइन. आफ्टर दैट फिर से कंट्रोल का सेंड हुआ अगेन कंडीशन टेस्टिंग. 11 का नेक्स्ट 12 केस क्या हुआ? कंडीशन टेस्टिंग. क्योंकि कंट्रोल अगर एक बार लूप के अंदर एंटर हुआ देन तब तक बाहर नहीं जाएगा जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाता. इन दैट केस अगेन कंडीशन टेस्ट कराएंगे विद रिस्पेक्ट टू वैल्यू ऑफ आई इज 8. 8 लेस देन 10 कंडीशन अगेन ट्रू. ट्रू है फिर से बॉडी सेशन एग्जीक्यूट हुआ 12 के बाद. नेक्स्ट सिक्वेंस क्या? 13 आई प्लस प्लस. आई बिकम्स 9. देन 13 के बाद नेक्स्ट 14th स्टेटमेंट क्या? प्रिंट एफ हाई. अगेन मैसेज डिस्प्ले हुआ एज अ हाई. देन कर्सर का सेंड हुआ ऑन द नेक्स्ट लाइन बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन. फिर से कंडीशन टेस्ट कराएंगे. कंडीशन के अकॉर्डिंग आई के प्लेस पर आई का करंट वैल्यू रिप्लेस करेंगे 9. 9 लेस देन 10 कंडीशन अगेन ट्रू. ट्रू है तो फिर से इस केस में कंट्रोल का सेंड हुआ इनसाइड बॉडी ऑफ फाइल. बॉडी के अंदर अगेन फाउंड हो रहा है आई प्लस प्लस, इसलिए आई का वैल्यू क्या हो जाएगा? 10. देन 16 का नेक्स्ट 17th केस क्या होगा? अगेन प्रिंट एफ हाई. हाई मैसेज अगेन प्रिंट होगा इससे. देन नेक्स्ट लाइन. आफ्टर दैट अगेन कंट्रोल सेंड होगा ऑन द कंडीशन टेस्टिंग 17 देन 18. कंडीशन टेस्ट कराएंगे. कंडीशन के अकॉर्डिंग आई का वैल्यू फाउंड हो रहा 10. 10 लेस देन 10 कंडीशन बिकम्स फॉल्स. कंडीशन फॉल्स होने केसेस में मीन्स इसका सिक्वेंस क्या था कंडीशन टेस्टिंग 18. कंडीशन फॉल्स हो चुका है. फॉल्स होने केस में कर्सर कहाँ सेंड हुआ? आउटसाइड बॉडी ऑफ लूप. बॉडी ऑफ लूप. लूप के बॉडी के बाहर अगेन नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या फाउंड हो रहा है इस केस में? मीन्स इसको इस प्लेस पर राइट डाउन कर लेते हैं. ओपनिंग बॉडी क्लोजिंग 18 के बाद कंट्रोल जब लूप के बाहर सेंड हुआ मीन्स आउटसाइड दैट प्लेस. 19th स्टेटमेंट क्या हुआ? अगेन व्हाइल कंडीशन टेस्टिंग. मीन्स इस केस में क्या? सेकेंड व्हाइल. अगेन कंडीशन क्या है? आई लेस देन
8, I का वैल्यू ऑलरेडी 10 हो चुका, इसलिए जब कंपेयर कराओगे 10 लेस देन 8 कंडीशन इज फॉल्स, मींस लूप का भी कंडीशन फॉल्स है, कंट्रोल सेंड हुआ आउटसाइड बॉडी ऑफ लूप, लूप के बॉडी के बाद नेक्स्ट सीक्वेंस क्या 19 का 20, 20 केस में क्या फाउंड हो रहा है i प्लस प्लस, i की वैल्यू हो जाए इस केस में क्या हो जाएगी 11, देन 21 नेक्स्ट स्टेटमेंट प्रिंट एफ हेलो, अगेन मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा एज अ हेलो, देन 20 के बाद देन क्या है क्लोजिंग ऑफ मेन फंक्शन, मीन्स फाइनल इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुका है, लास्ट स्टेटमेंट का सीक्वेंस क्या है 22, आई का वैल्यू करेंटली कैसे हो रहा है 11, मैसेज क्या प्रिंट हुआ है 5 टाइम हाई देन हेलो।